इस तरह बिजनेस से पीछे हटना? ते पीछे कौन हट रहा है? मैं हूँ हमेशा, यही हूँ, आसपास हूँ, इन दोनों के पास में रहूंगा मैं। जब भी ये किसी भी चीज में अटकेंगे, कभी भी इनको प्रॉब्लम होगी, कभी भी इनसे बिजनेस में कोई ऐसी चीज होगी जो ये नहीं सॉल्व कर पाएंगे, मैं हूँ ना, हमेशा इनको सजेशंस दूंगा। अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं बीच में आ भी जाऊंगा। आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, यहीं पर हूँ। ठीक है, अगर फैसला कर ही लिया है तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन ये डिसीजन जो आपने लिया है ना, उसमें मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगती है। क्या गड़बड़? कोई गड़बड़ नहीं है। मतलब यही कि अच्छी कंपनीज जो हैं वो राजवीर को दे देंगे, और जो नॉट सो अच्छी, थोड़ा ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रही, वो शौर्य को। नहीं, मुझे लगता है कि महेश अंकल ने जो कहा ना, वो ही ठीक है, वो करना चाहिए। अरे नहीं बेटा, नहीं, मैं देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं डैड की बात नहीं मानूंगा। ये वाली बात तो बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। हाँ, क्यों नहीं मानोगे? अब सलाह मांग रहे हो और फिर बात भी नहीं मानोगे, तो ये क्या बात हुई? अब अगर ऐसा करना ही है तो एटलीस्ट वो करो जो मैं कह रही हूँ। तुम बस ऑर्डर करो। तो मैं ये कह रही थी कि जो भी आपकी कंपनीज हैं जो ज्यादा अच्छा नहीं कर रही है ना, या लॉस में चल रही हैं, वो राजवीर को दे दो, क्योंकि राजवीर तो आपको पता ही है काफी शार्प माइंडेड है, और बिजनेस में उसका कितना दिमाग चलता है, तो वो कंपनीज भी ऊपर लेकर जरूर आएगा। और शौर्य भी शार्प माइंडेड है और बिजनेस माइंडेड है, लेकिन जिस तरह वो पला बड़ा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो कंपनीज ऑलरेडी अच्छा कर रही है ना, वो उसे दे दो, वो उन्हें अच्छे से रन कर लेगा, और इस बात की उसे बहुत खुशी भी होगी। नॉट टू फॉरगेट, शौर्य आपका अपना खून है, अपना वारिस है ना? राजवीर भी मेरा ही खून है। अब तुम्हें कैसे बताऊं प्रीता, केस पिता ने सही फैसला किया है, अपने दोनों बेटों को उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग बिजनेस देने का फैसला। अब आप इतनी गहरी सोच में क्यों चले गए? यही सोच रहे हैं ना कि प्रीता से कैसे कहूं कि उसका ऑर्डर मुझे नहीं मंजूर है? नहीं प्रीता, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, तुम जो कहोगी वही होगा, ठीक है? It's decided. तुम जो कंपनियां कहोगी राजवीर को देने के लिए, वो राजवीर को दूंगा, और जोन जोन सी कंपनी तुम कहोगी मैं शौर्य को दूं, वो शौर्य को दूंगा। तुम जैसा कहोगी वैसे ही होगा प्रीता। खुश? जसप्रीता ऑलवेज शौर्य के खिलाफ साजिशें रचती रहती है, भूत की तरह मेरे शौर्य के पीछे पड़ गई है।